पहले तो भारत देश की रक्षा करते करते जो हमारे भारत देश के वीर सैनिक गति को प्राप्त हुए, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पुलवामा हमले में 40 से अधिक जो सैनिक जो शहीद हुए उनके परिवार वालों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा डिसीजन, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी एक ऐतिहासिक कार्य भी हम कर सकते हैं। मैं स्पीकर जी के माध्यम से आपको यह कहना चाहता हूं, जब पुलवामा में हमला हुआ तो भारत देश का हर वो व्यक्ति उस अटैक के विरोध में कैंडल मार्च अनेकों प्रकार का विरोध प्रकट हुआ। आज पूरा भारत देश एक मंच पर आकर खड़ा हुआ है कि इस बार तो पाकिस्तान को किसी भी हालत में हमें जवाब देना ही है। पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं, पाकिस्तान आतंकवादियों का एक अड्डा है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो 2-4-5 कुछ लोगों को हम बैन करने से अरेस्ट करवाने से कुछ नहीं होगा, यानी जो केंद्र सरकार द्वारा जो मीडिया में जो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री को आप एक पत्र लिखिए कि अब हम हमारे भारत देश के वीर जवानों को हम खो नहीं सकते, इस बार आर्या पार की लड़ाई हो, इस बार पाकिस्तान पे हमला हो, तेलंगाना की सरकार, तेलंगाना का हर वो नौजवान आपके साथ है, ऐसा एक पत्र लिखिए मुख्यमंत्री से निवेदन कर। काश्मीर में आए दिन रोजाना कुछ ना कुछ बहाने से हमारी सेना पर हमला हो रहा है, 2-3 दिन पहले भी हमला हुआ, 5 हमारे जवान शहीद हो गए। ये तब तक मसला हल नहीं होगा तब तक पाकिस्तान को उसके तरीके से हम जवाब नहीं देंगे, ये हमें मोदी जी को कहना है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि अब बहुत हो चुका, अब उनकी भाषा में उनको जवाब देने की आवश्यकता है। कुछ हैदराबाद तेलंगाना के लिए मैं सिर्फ थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। दीक्षा, जिस प्रकार से काश्मीर में टेररिस्ट जो हमला करते हैं, काश्मीर के कुछ लोग उन टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं, जब सेना पर उन आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है तो वहीं के लोकल काश्मीर लोग, आपको होना है तो कई सोशल मीडिया में वीडियो, लेटेस्ट भी वीडियो वायरल हुए कि उनको उनके घर में छुपाया जा रहा है, उनको वहां से भगाया जा रहा है। इस प्रकार से काश्मीर में उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, अध्यक्ष टेररिस्ट को। हाल ही में हमारे तेलंगाना में भी 2007 में ब्लास्ट हुए, 2013 में ब्लास्ट हुए अध्यक्ष, और मीडिया के माध्यम से कई लोग उसमें मारे गए और कई लोग घायल भी हुए अध्यक्ष। जैसे कांग्रेस के फ्लोर लीडर जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि निगाह व्यवस्था हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, बिल्कुल, कि कौन लोग इनको सपोर्ट करता है, कौन लोग इनको हर प्रकार का सहयोग करता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। अध्यक्ष, 2007 में, 2013 यानी लुमनी पार्क, गोकुल चाट भंडार, जितने भी ब्लास्ट में जो लोग मारे गए और जितने लोग घायल हुए अध्यक्ष, आज भी वो लोग एक दर्द के मारे में तड़प रहे, उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी अगर हम उनके ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना कहते हुए धन्यवाद। వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ, సినీ విశేషాలు, స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది. మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.